हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पूजा किचन। आज मैं आप लोग के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, ये बिहार का ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये बिहार में बहुत बनती है। इसे बेसन का सब्जी कहा जाता है और बेसन का मछली वाला सब्जी भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है और उसमें मैंने नमक आधा चम्मच, हल्दी, जीरा पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, देखिए एक मीडियम कंसिस्टेंसी की घोल बना लिया है। उसे तावे में चीले की तरह या डोसा की तरह अच्छा से स्प्रेड करके, उसे राउंड राउंड करके ताकि वो आपस में चिपक जाए। एक तरफ से ही इसे सेके, दो तरफ से नहीं, बस थोड़ा सा क्रीज करके उसे तावे में सेक ले और नीचे से अच्छे से पक के जब ब्राउन हो जाए तो उसे राउंड राउंड करके उसे पीसेस में कट कर ले। उसके बाद इसी तरह के बाकी का जो बैटर है उसमें बाकी का चीला बना के उसे उसी तरह राउंड राउंड करके ठंडे होने के बाद इसी तरह पीसेस में कट कर ले। जब वो ठंडे हो जाते हैं ना तो आपस में चिपक जाते हैं इस तरह से। जो ग्रेवी में डालने के बाद ये खुलने का चांस बहुत कम रहता है, तो इसलिए जब ठंडे हो जाए तब आप इसे पीसेस में कट कर लें। जैसे बेसन की मछली होती है ना, उसे हम काटते हैं उसी तरह। फिर मैंने एक ग्राइंडर ले लिया है, उसमें मैंने 15 से 16 लहसुन की कलियाँ, 7 से 8 हरी मिर्च, पीला सरसों 2 चम्मच, 1 चम्मच काला सरसों ले लिया है। अब मैं इसे पेस्ट बना लूँगी। देखिए मैंने इसे फाइन पेस्ट बना लिया है ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के। अब तैयार हो चुके हैं मेरा मसाला। अब बाकी का मैं पाउडर मसाला बता देती हूँ। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये जीरा पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर, ये काली मिर्च, ये बेसिक ब्लैक पेपर भी कहते हैं, ये है रेड चिली पाउडर। देखिए इन सब मसालों का मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगी। गैस ओवन को ऑन करके मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब वहाँ पर कढ़ाई गर्म होने तक उसके बाद मैं उसमें सरसों का तेल का इस्तेमाल करूँगी ग्रेवी को बनाने के लिए। अब सरसों का तेल जब गर्म हो जाए तो साबुत सूखी मिर्च, जीरा, साबुत जीरा को मैं तेल में ऐड कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा हल्दी दूंगी ताकि मसाले के डालने के बाद उसका छींटा ना पड़े। आप किसी भी सब्जी बनाने से पहले अगर हल्दी डालते हैं तो मसालों का छींटा जो है वो गैस ओवन पर नहीं पड़ता और गैस भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और अब मैंने इसमें जो पेस्ट किया था वो मसालों को ऐड कर दिया। अब मैं इसे अच्छे से चला लूँगी और चलाने के बाद मसाले को तब तक फ्राई करूँगी जब तक तेल ऊपर की तरफ ना आ जाए। अभी मसाले को ढकना नहीं है, अभी मैं इसी तरह से फ्राई करती रहूँगी। आप देखिए बहुत अच्छे से हाई फ्लेम में मैं इस मसाले को फ्राई कर रही हूँ। देखिए अब जो ग्राइंडर था उसमें जो बचा हुआ मसाला था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से धो के बाकी का पानी मैंने इस मसाले में ऐड कर दिया है। और अब मैं इसे अच्छे से चला लूँगी। 2 से 3 मिनट तक मैं इसे चलाऊंगी और उसके बाद मैं इसे ढककर पकाऊंगी। देखिए मैंने थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक दिया है, आप कितना नमक खाते हैं आपके ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए मैंने यहाँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा गर्म मसाला। मैं आपको बता दूँ मेरा जो स्पून है मसाले का वो बहुत छोटा है, उस हिसाब से अगर आप 2 बार लेते हैं तो वो आधा चम्मच ही होता है, तो इसलिए मैं आपको आधा चम्मच ही सब कुछ रिकमेंडेड करूँगी डालने के लिए। अब आप इसे ढककर थोड़ी देर पकने दे। देखिए तेल जो है ऊपर की तरफ आ चुकी है। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे ढका था और अब मेरे मसाले जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं उसमें पानी डालूँगी। आप अपने बैटर का कंसिस्टेंसी कितना रखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी मैं ये बताऊंगी, जब आप ये सब्ज़ी डालेंगे तो पानी जो है एब्जॉर्ब कर लेगा सब्जी में, तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाल सकते हैं। और इसमें मैंने जो सरसों दिया है वो बहुत टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा तीता लगता है, तो उसके लिए मैं ऊपर से टमाटो का एक पेस्ट बनाकर डाल रही हूँ। आप बोलेंगे कि मैंने तेल में इसे फ्राई नहीं किया। नहीं, इसमें तेल में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो टमाटर है वो उसे आप एक टमाटर को अच्छे से धोकर पेस्ट करके रखें और जब सब्ज़ी उबल जाए, पानी थोड़ा सा उबल जाए अच्छे से, तब जाके लास्ट में आप ये टमाटर प्यूरी डालें, जिससे जो है ग्रेवी ज़्यादा टेस्टी होती है और जो सरसों का तीतापन है वो उभर के कभी भी नहीं आएगा। ये मेरी अपना खुद का एक्सपीरियंस है। आप चाहे तो पहले भी टमाटर का पेस्ट डालकर फ्राई कर सकते हैं। मैंने उसमें थोड़ा सा घी डाला है आधा चम्मच। अब आप इसमें जो सब्जी है आप उसे मिला डाल देंगे हाथों के सारे अच्छे से एक एक करके ताकि टूटे ना। मैं बहुत जल्दी में डाल रही हूँ, आप इसे धीरे धीरे बनाएं। देखिए मैंने डाल दिया है और डालने के बाद अब मैं इसे मैं हल्का सा गरम मसाला ऊपर से ऐड कर रही हूँ, बस 2 पिंच।
अब गैस को मीडियम फ्लेम में रख के मैंने अच्छे से सब्जी को ढक के 2 मिनट तक उबाल दिया है। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। अब मैं उसे ढक कर बंद करके इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ चुकी हूँ। अब देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्जी का। अब मैं इसे एक बोल में निकाल कर आपको टेस्ट करके बताऊँगी ये कितना अच्छा बना है या इसमें नमक कम या ज़्यादा है, जो भी है मैं आपको खा कर बताऊँगी। ये देखिए सब्जी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी है। अगर आपको मेरा ये चैनल का ये रेसिपी अच्छी लगी हो या मेरे बाकी जो रेसिपी आप जाकर देख सकते हैं अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बेसन का ये सब्ज़ी एक बार घर पर आप लोग ट्राई करें, बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाया है।